हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। लंबे समय तक मध्य प्रदेश की रणजी टीम के कप्तान रहे देवेंद्र बुंदेला ने आज क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। उनका नाम घरेलू क्रिकेट के इस प्रमुख टूर्नामेंट के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल रहा है। 41 वर्षीय बुंदेला ने यहां होलकर स्टेडियम में अपने संन्यास का औपचारिक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का मलाल रहेगा कि उनकी अगुवाई में मध्य प्रदेश टीम रणजी ट्रॉफी नहीं जीत सकी। प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट से अपनी विदाई पर बुंदेला भावुक नजर आए। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन एनपीसीए की ओर से दी जाने वाली किसी भी नई भूमिका के लिए मैं तैयार हूँ। बुंदेला ने एक सवाल पर इस बात से इनकार किया कि वह फिटनेस की समस्या के चलते संन्यास ले रहे हैं। उन्होंने कहा, फिलहाल मैं पूरी तरह फिट हूँ, लेकिन मुझे लगा कि यह मेरे द्वारा संन्यास की घोषणा करने का सही समय है। वर्ष 1995-96 में पदार्पण करने वाले बुंदेला ने अपने करीब ढाई दशक लंबे करियर में 164 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं। उन्होंने 261 पारियों में 32 बार नाबाद रहते हुए 10,004 रन बनाए हैं। वह क्रिकेट के प्रथम श्रेणी प्रारूप में इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने वाले देश के चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं। उन्होंने 26 शतक और 54 अर्धशतक भी जमाए हैं।